उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। कंगना के साथ जो हुआ और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की बयानबाजी चल रही थी, जिसमें संजय राउत इन्वॉल्व थे, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है वो इन्वॉल्व थे, और साइलेंटली कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व दिखते हैं, उससे यही प्रतीत होता है। और ख़ास करके आज जो डिमोलिशन जॉब किया है बीएमसी ने, उससे यही दिखता है कि फांसीवाद जब एक्चुअल में सही मायनों में जब परिणत होता है तब वो किस तरह से अव्यक्त होता है। फांसीवाद के नाम पे इस देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से तरह तरह के, मतलब कोई कुत्ता जो है मर जाए कहीं पे उस पर फांसीवाद आ जाता है, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, वेट कर रहा है कि उसके ऊपर गैग लग जाएगा, वो लगता नहीं है लेकिन वो खुद ही बोल के खुद ही डिक्लेयर करने लगता है कि हाँ फांसीवाद आने वाला है। कुछ लोगों ने कह दिया है कि आपातकाल आ चुका है, और कुछ लोगों के लिए आतंकवादियों के ऊपर जब इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस जाती है या उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होती है, उनके खिलाफ प्राथमिक तौर पे सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, उसको आधार बनाकर जब उन्हें हिरासत में लिया जाता है, न्यायिक हिरासत हो या न बाद में जो है पुलिस एक्चुअल में जेल में डाल देती है, तब भी कहा जाता है कि फांसीवाद आता है। कंगना ने जो किया है पिछले कुछ समय में, खास करके सुशांत वाला जो मामला आता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप देना जानना चाहें तो यही है कि कंगना ने अपने लिए यहाँ पे कुछ खास नहीं किया है, मतलब वो अपने बिहाफ पे कुछ नहीं बोली है, उसने जो है सुशांत का पक्ष लेते हुए, और फिर बॉलीवुड में किस तरह से नेपोटिज्म होता है, मतलब भाई भतीजावाद, ये तो खैर सबको पता है, और उससे भी ज़्यादा उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि ड्रग एंगल की जाँच होनी चाहिए और सुशांत जो है वो डिप्रेशन से नहीं मरा है, उसकी जांच भी की जानी चाहिए कि उसकी हत्या हुई है। उसका रिपब्लिक जो है मीडिया नेटवर्क, उसने जो है एक मुहिम चलाई, जन समर्थन एक तरह से मिलता है, उसका सीबीआई इसमें आती है और वो जो है फिर केस जो है सीबीआई इन्वॉल्व होती है, उसका नारकोटिक्स ब्यूरो जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें फाइनेंशियल एंगल देखने के लिए कि पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, ड्रग्स अगर खरीदा जा रहा है तो उसमें एनसीबी जो है उसमें जुड़ती है। उसके बाद 10 गिरफ्तारियां होती है जिसमें लास्ट वाली गिरफ्तारी रिया चक्रवर्ती के रूप में होती है। तो ये कुल मिला के मामला था। इसी में जो है मुंबई पुलिस या मुंबई पुलिस जो है उसकी निकृष्टता को लेके कंगना ने कई बार ट्वीट किया कि ये वो मुंबई पुलिस नहीं है जिसके बारे में हम जानते हैं। मुंबई पुलिस के बारे में कंगना ने बार बार लिखा कि जिस तरह से उसका कमिश्नर जो है ट्रोल्स के ट्वीट को लाइक कर रहा है उससे पता चलता है, और जिस तरह से सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर वॉक ऑफ शेम बनाया जाता है जो इन लोगों के खिलाफ लिख और बोल रहे हैं, और खिलाफ होना ज़रूरी नहीं कि सही होना होता है, और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि वो गलत ही हो हमेशा। इन सारी बातों को आप जब देखने लगेंगे, और उसके बाद फिर अब्राहम लिंकन का एक कथन है, किसी व्यक्ति की औकात जाननी हो, औकात से मतलब स्टेटस नहीं, स्टेचर यहाँ पे लीजिए, कि वो किस तरह से बिहेव करता है, वो एक्चुअल में क्या है, तो आप उसको सडनली पावर दे दीजिए। उद्धव ठाकरे के साथ या शिवसेना के कुछ नेताओं के साथ वही हुआ है कि इनको सडनली किसी तरह से 3-5 करके सत्ता तो मिल गई है, नाउ दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, और दे नो वेरी वेल हाउ टू हैंडल इट, जो कि वो कंगना के केस में हुआ कि आज उनकी ऑफिस जो थी मणिकर्णिका फिल्म करके है उसको जो है डिमोलिश किया गया, ये कह के कि इसमें फला हिस्सा जो है वो मतलब अप्रूव नहीं हुआ है, वो ऐसे ही ले लिया गया और उसको जो है तोड़ेंगे, वो गलत है, वो नक्शे के हिसाब से नहीं है। और ये टैक्टिक्स जो होता है वो अमूमन टाइमिंग देखने के बाद आपको लग जाएगा, और उसके बाद बीएमसी को कौन चला रहा है उस पार्टी के बारे में जानने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है हिट जॉब है, और फिजिकल हिट जॉब एक तरह से कह सकते हैं, कि पहले तो उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाए गए, उनको सनकी, पागल, हाफ एजुकेटेड किसी ने कहा,
उसके बाद उससे भी ना रहा गया तो संजय राउत ने हरामखोर कहा। उसके बाद एक और एमएलए हैं, उसने जो है कुछ और बेहुदा और बेशर्म टाइप के शब्द यूज किए, और ये सब विधानसभा में हो रहा था जहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार बैठती है, उसके मिनिस्टर्स बैठते हैं और सारे एमएलएज बैठते हैं, वहाँ पे ये सब हो रहा था। विधानसभा जब इन बातों को डिस्कस करने लगती है, जब उन्हें लगने लगता है कि मुंबई पुलिस, जो एक क्षेत्र की पुलिस है, एक ज़िले की पुलिस है, उस पे सवाल उठाना जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का अपमान है, और उसमें बाद में आप और जोड़ लीजिएगा कि ये शिवाजी का अपमान है। जो व्यक्ति अपने आप को मराठा कहता हो, वो किसी महिला के लिए, किसी स्त्री के लिए, जिसने शायद मराठियों के लिए या मराठी प्राइड के लिए उस व्यक्ति से ज़्यादा ही काम किया है, अगर पॉपुलर कल्चर की बात करें तो, उसे हरामखोर कहता है, कोई जो है बेशर्म कहता है, तब पता चलता है कि नहीं तो तुम जो है, तुम्हें मराठा प्राइड और ये सबसे कोई मतलब नहीं है, यू आर जस्ट रीकिंग ऑफ बैड पॉलिटिक्स, तुम सिर्फ घटिया राजनीति का एक तरह से अपनी घटिया राजनीति को बाहर ला रहे हो, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, या बीएमसी का जिस तरह से उपयोग किया गया है, उसकी जितनी निंदा आप कर सकते हैं वो कम है। उसमें भी तब जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट का ये सख्त निर्देश है कि 30 सितंबर तक किसी भी तरह का डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, लीगल हो इलीगल हो, किया ही नहीं जा सकता, उसके बावजूद ये सब हुआ है, तो यही जाहिर होता है कि एब्सोल्यूट पावर जो है कैसे एब्सोल्यूटली करप्ट कर देता है आदमी को। यहाँ पर बीएमसी के अधिकारियों ने, जाहिर सी बात है कि उनको कहाँ से आ रहा होगा ये डायरेक्शन किसने दिया, ये डायरेक्टिव किसने दिया, ये दिस इज आउट इन द ओपन कि वो किसके शाह पे ये सब कर रहे हैं। उन्होंने जो है हाईकोर्ट के, मतलब एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और उसके बाद ठीक है तुमने कहा कि कुछ शेड जो है बाहर निकल रहा, तुमने उसको जो है डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया, उसके घर के अंदर के फर्नीचर को तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? वहाँ जो एंटीक आइटम्स थे, जो 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 संग्रह करता है, किसी को प्रेम होता है अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करने का, या मूर्तियाँ खरीदने का, फर्नीचर जो है एंटीक फर्नीचर पीसेस खरीदने का, तुमने करोड़ों की प्रॉपर्टी भीतर में डिस्ट्रॉय की, उसका फर्श तोड़ दिया, ये सब बताता है कि तुम्हारी मंशा, मतलब बीएमसी जो क्लेम कर रहा है कि नहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था, तुम्हारी मंशा उसको स्टॉप करने की नहीं थी, तुम्हारी मंशा बस यही इंटिमिडेशन का है कि हम तुमको डरा रहे हैं कि आज देखो हम ये कर रहे हैं, कल को तुम अपने घर में रहोगे मुंबई में, हम ऑफिस तोड़ देंगे, ऑफिस में रहोगे घर तोड़ देंगे, एक घंटे का नोटिस देंगे। जिस तरह से मन में इनके आया उस तरह से इन्होंने नोटिस दिया और तोड़फोड़ किया। रिया चक्रवर्ती का जब अरेस्ट हुआ था तो कहा गया, मतलब कल से जो है जिन्होंने अपने बाप के पैसों पे और बाप के टैलेंट के कारण एंट्री पाई है इंडस्ट्री में, वो पैट्रियार्की की बात कर रही हैं, वो लड़कियाँ और कुछ ऐसे डायरेक्टर जो वैसे लोगों के साथ काम करते रहे हैं, जिन्होंने हमेशा नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने कभी फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स नहीं बनाई हैं, ये लोग लिख रहे हैं कि स्मैश करेंगे पैट्रियार्की को। क्यों भाई? रिया चक्रवर्ती पैट्रियार्की का शिकार है। कैसे रिया चक्रवर्ती पैट्रियार्की का शिकार कैसे है? उसने स्वीकारा है कि 80% ऑफ बॉलीवुड टेक्स ड्रग्स, ठीक, उसने ये भी स्वीकारा है कि वो ड्रग्स का लेन देन करती थी, पैसा किसी को दिया लिया, भले वो अब सुशांत के बारे में उसको जो है एक ड्रग एडिक्ट बता दे, क्योंकि वो मर चुका है, वो अपने डिफेंड खुद को डिफेंड करने आएगा नहीं। तो तुम इतनी भोली भाली लड़की हो जो जानती हो, ये कौन नहीं जानता है कि ड्रग्स लेना, और लेना ही नहीं, ड्रग्स का इनफैक्ट कारोबार करना वो इलीगल है। तुम ये, और एक और लॉ में एक मैक्सिम है, वो कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको लॉ के बारे में मालूम नहीं है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। इसका मतलब तो हम किसी को छुरा मार दें और बोले कि हमको पता ही नहीं था कि हत्या करना जो है वो एक अपराध है। नहीं, तुम्हें पता तो होगा ही कि ये इलीगल है, तुम इलीगल सब्सटेंस प्रोक्योर कर रही हो, ना सिर्फ ये गांजा और इस तरह का, नहीं कहा जा रहा है कि वो सिंथेटिक ड्रग्स जो केमिकल्स होते हैं, जिसको मतलब वो अलग अलग स्तर के होते हैं, उनको भी प्रोक्योर करने की बातें हैं। व्हाट्सएप चैट तुम्हारा मिला है, उसके बाद
फाइनेंशियल 17,000 का ये ले लो, चाय में 4 बूंदे मिला दो, इस तरह की बातें की हैं। इन सब के बाद अगर तुमको ड्रग्स के मामले में उसमें अगर अरेस्ट किया जा रहा है, जुडिशियल कस्टडी में लिया जा रहा है, हाउ द हेल पेट्रियार्की कम्स इन टू प्ले? इसमें पितृसत्ता और पितृसत्तात्मक सोच कहाँ से आ जाती है उसमें? मतलब किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि इसमें पितृसत्ता है? यहाँ पे ये पूरा का पूरा, और एक तरह जिस तरह से कंसॉर्टेड अटेम्प्ट हुआ है, पूरा का पूरा बॉलीवुड जो उठ के आ गया है और एक ही स्लाइड जो है शेयर कर रहा है कि रोजेज आर रेड और वायलेट इज लहसुन, इस तरह की बातें, उसे यही पता चलता है कि वो जो 25 नाम लिए हैं रिया ने, इन लोग को लग रहा है पता नहीं किसका किसका नाम है, और किसी तरह इस गैंग का प्रेशर बने पुलिस के ऊपर, उन संस्थाओं के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, नारकोटिक्स ब्यूरो के ऊपर, कि ये लोग जो है प्रोब में इन बड़े नामों को या छोटे नाम जो भी है, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि रिया ने कुछ नहीं किया है, उसका फ़ोन जो है कोई रिमोट एक्सेस पे चला रहा हूँ, मानने को तैयार हूँ, लेकिन तुम पहले से उसको कैसे मतलब डिफेंड क्यों कर रहे हो? जो प्राइमा फेसी एविडेंस है, प्राथमिक सबूत है, उसके आधार पर ही प्रोब होगा ना, नहीं कुछ मिलेगा छूट जाएगी। तुम ये पेट्रियार्की वाला, वो टी शर्ट पहन के पेट्रियार्की वाला जाती है, जब एनसीबी उसको बुलाता है, उसका न्यायिक हिरासत में ले जाने की बात होती है, वहाँ से जो है पेट्रियार्की वाला एंगल चलता है, और फिर शाम होते होते ये सारा फ्लैश करने लगता है, स्मैश पेट्रियार्की स्मैश, इसमें पेट्रियार्की है कहाँ? और दूसरी बात, पेट्रियार्की के अपोजिट एक आइकॉन है तुम्हारे इंडस्ट्री की, सेल्फ मेड, जिसने अपने दम पे न सिर्फ पैसा कमाया, न सिर्फ टैक्स दिया, न सिर्फ लोगों की आवाज़ बनी, बल्कि सी इज़ नॉट टेकिंग एनी शिट फ्रॉम एनीवन। वो खड़े होके बोलती है और मुखर होके बोलती है, विरोध करते हैं। फेमिनिज्म है क्या? नारीवाद क्या है? यही तो है नारीवाद की आदर्श जो है। रिया चक्रवर्ती नहीं है जो गांजे का लेन देन करने के आरोप में जो है न्यायिक हिरासत में ली गई है। फेमिनिज्म का, नारीवाद का आदर्श कंगना रनौत है, जो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, जहां पे हीरोइंस को नचाने, 4-5 डायलॉग, उसको हमेशा हीन दिखाने, उसको हमेशा एक्सप्लॉयटेड दिखाने, वीक दिखाने, कमज़ोर दिखाने को लेके ही केंद्रित रहा है। मतलब साल में 900 फिल्में बनती हैं और उसमें 9 फिल्में जो है फीमेल को लेके, मतलब लीड जो होता है, लीड आप सेकेंड्स गिन सकते हैं कि कितने सेकेंड वो स्क्रीन पे होती है, कितना डायलॉग उसको दिया जाता है। उसको एक लोअर रंग तक रेलिगेट कर दिया गया है फीमेल्स को, और तुम वहाँ पे, यहाँ पे एक 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 लड़की आती है विथ नो गॉड फादर व्हाट्सएवर, वो अपने लिए नाम करती है, वो ऐसी फिल्में बनाती हैं जो फीमेल सेंट्रिक हैं, चाहे वो मणिकर्णिका ले लीजिए, क्वीन ले लीजिए, और इसी तरह की उसने कई फिल्में की हैं जिसमें महिलाएं ही मुख्य किरदार हैं, प्रोटागनिस्ट हैं। उसके बाद तुमको उस फीमेल आइकन के घर के ऊपर जो हमला हो रहा है उस पर डिफेंड नहीं करना है। क्यों भाई? क्योंकि वो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की है, वो तुम्हारे इसी फांसीवादी प्रवृत्तियों को लगातार दूतकारते रही है, नकारते रही है, और हमेशा शी हैज़ बिन कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, इसीलिए तुम्हें समस्या होती है। एक्चुअल में जो पितृसत्तात्मक सोच रखने वाली लड़कियां हैं, सोनम कपूर हो गई, तापसी पन्नू हो गई, दिया मिर्जा हो गई, जो पूरा इनका करियर, मतलब करियर तो इनका इतना छोटा छोटा सा है, कोई मीनिंगफुल काम नहीं किया होगा, हमेशा बड़े हीरोज के साथ काम करने को ललायत, कि उसके बगल में नाचने को भी दे दिया जाए, फ्रेम में खड़े रहने को भी दे दिया जाए तो भी कर लेंगी, क्योंकि इन्हें नाम चाहिए कि मैंने फलाने बैनर के नीचे काम किया है, वो पितृसत्ता पे लिखती है। तो पितृसत्ता का और नारीवाद का इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता। और अब जो फासिज्म हो रहा है, जिसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा है, फासिज्म यही है। फासिज्म वो नहीं है कि एक पुलिस ने जो है आतंकवादी को अरेस्ट करने की कोशिश की और उसके बारे में जो है लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, और एक 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 पूरा जनमानस जो है उसके अगेंस्ट मुखर होकर लिख रहा है, वो फासिज्म नहीं है, वो फांसीवाद का फैलाव नहीं है। फांसीवाद ये है कि तुमने जो है
हर तरह से, चाहे नगर निगम के लेवल पे हो, पुलिस के लेवल पे हो, या तुम्हारे एमपी एमएलए के लेवल पे हो, उन्होंने किस तरह से बयानबाजी की है और बयानबाजी से नीचे उतर कर उन्होंने एग्जीक्यूट किया है एक्चुअल में अपने बयान को, जिसमें क्लेम किया था कि आएगी तो जबड़ा तोड़ देंगे, जाके देखिए कि एयरपोर्ट पर किस तरह से स्वागत हुआ कंगना का। क्या कर रहे थे वहाँ शिवसेना वाले? क्या शिव सैनिकों का ही मतलब उन्हीं का महाराष्ट्र है क्या? तो फांसीवाद ये है, फांसीवाद वो नहीं है जो हम और आपको पिलाया जाता है वायर, क्विंट, स्क्रॉल या पूरा ये नचनिया बॉलीवुड का जो इंडस्ट्री है पूरा उसके द्वारा, वो फांसीवाद नहीं है। फांसीवाद ही अगर बीजेपी होती, शाहीन बाग में एक डंडा तक नहीं चला पाई बीजेपी। क्यों? शाहीन बाग में 100 दिन तक शाहीन बाग चला और अंत में उसकी परिणति होती है दंगों के रूप में। दंगों में भी पुलिस ने, आपने देखा कि पुलिस कहीं पे मार रही थी किसी को? नहीं। भाजपा में इतनी हिम्मत भी नहीं है, उसको 445 सांसद और 25 राज्य में भी सत्ता मिल जाएगी ना, फिर भी भाजपाइयों का उस तरह का मेक नहीं है, उस तरह से वो सोचते नहीं है कि इस तरह से पावर को एग्जर्ट किया जाए। वहीं आप देखिए कि फांसीवाद का रूप क्या है, कि एक दिन बीएमसी रुक नहीं सकती थी, नोटिस दिया 24 घंटे का, और उन्हें पता था कि 9 सितंबर को आएगी, उन्हें यह भी पता था कि 30 सितंबर तक डिमोलिशन हो ही नहीं सकता कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, फिर भी उन्होंने किया। उन्हें एक्सक्यूज चाहिए था शायद, तो उन्होंने एक्सक्यूज निकाला कि पानी लीक कर रहा था, यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो भी एक टेम्पलेट रिस्पॉन्स होता है इन संस्थाओं का। और अब आगे क्या होगा वो तो कल कोर्ट में एफिडेविट उनको फाइल करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। लेकिन इस पूरे डिबेट में यही पता चलता है कि किस तरह से बॉलीवुड लिबरल वामपंथियों का गैंग हमेशा से, ये जब फांसीवाद का और नारीवाद का डिबेट होता है या पितृसत्ता का डिबेट होता है, हमेशा दे स्टैंड इन द अपोजिट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। वो क्लेम करते हैं कि वो फांसीवाद के खिलाफ हैं, लेकिन वो एक्चुअल में फांसीवाद को प्रमोट करते हैं, जो उद्धव ठाकरे जैसे फांसीवादी लोग कर रहे हैं, जो संजय राउत जैसे लोग कर रहे हैं। जुड़े रहिए, बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।